वेलकम टू माय चैनल कॉर्नर और मैं हूं नीमा आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं अमेजॉन से मैंने मंगवाए हैं कुछ न्यू लॉन्च प्रोडक्ट्स मेकअप के तो मैंने सोचा जल्दी से वीडियो शूट करूं क्योंकि तो मेरे से ना इंतजार नहीं हो रहा है इन्हें यूज करने का सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मार्स कॉस्मेटिक की एक पैलेट ब्यूटीफुल पैलेट है तो इसका कलर मुझे बहुत अच्छा लगा ये ट्रेवलिंग के लिए बहुत सही होती है क्योंकि इसमें छोटे पाउच में या छोटे

एक पिंक हो जाता है और एक ऑरेंज हो जाता है अगर मैं इसके आई शेडो की बात करूं तो मैं आपको आई शेडो की भी पिगमेंटेशन दिखाती हूँ पैलेट मुझे लगा है बहुत सही और काफी अफोर्डेबल भी है मतलब ट्रैवलिंग के लिए तो ये बहुत ही सही होने वाला है इसमें बहुत सारे वेरिएंट्स हैं तो आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो एक और पैलेट मैंने मंगवाया है मार्स कॉस्मेटिक का द सिटी पैराडाइज ये भी बहुत सही पैलेट होने वाला है पैकेजिंग मुझे बहुत अच्छी लगी ये जो न्यू लॉन्च की नई नई स्टाइल की पैकेजिंग होती ना मुझे बहुत अच्छी लगती है इसका नाम है दिल्ली तो मैंने खुद मैं दिल्ली में रहती थी इसलिए मैंने कहा इसी वाले पैलेट को मंगवाऊंगी मैं इस पैलेट की अगर मैं बात करूँ तो इसमें ना दिल्ली के बहुत सारे जो जगह है ना जो फेमस चीज़ें हैं उनके नाम पर इन्हें दिया गया है नाम जैसे कि डोलमा आंटी चांदनी चौक सी कुल्फी फलूदा डोलमांटी के मोमोज बहुत फेमस है मैंने आज तक नहीं खाए जबकि मैं दिल्ली में रहती हूँ दिल्ली हार्ट इंडिया गेट कश्मीरी गेट टुक टुक नाइट क्वीन कुतुब इस तरीके से इसके नाम दिए गए हैं जो कि बहुत ही सही है यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर आपको हाइलाइटर मिल जाता है ब्रॉन्जर मिल जाता है और ब्लश भी मिल जाता है और यहाँ पे आपको सारे आई मिल जाते हैं पिगमेंटेशन इनकी भी हम चेक करेंगे भाई बिल्कुल चेक करेंगे क्यों नहीं करेंगे चेक मुझे पिगमेंटेशन चेक करना बहुत अच्छा लगता है और ये आप देख सकते हो इनके आई शेडो की पिगमेंटेशन और मैं आपको इसके हाइलाइटर की पिगमेंटेशन भी दिखाती हूँ oh यहाँ पर मैंने लगाया है बहुत ही ब्यूटीफुल से शेड्स हैं। इसमें भी आपको बहुत सारे वेरिएंट्स मिल जाते हैं डेफिनेटली आप ट्राई कर सकते हो और हाँ अगर आप पूरे पूरे आई की शॉर्ट वीडियो देखना चाहते हो तो मैंने शॉर्ट्स पे अपलोड कर दूंगी तो डेफिनेटली वहाँ पर चेकआउट कर सकते हो मैं शॉर्ट्स में ना सिंगल सिंगल प्रोडक्ट का रिव्यू शेयर करती हूँ तो अगर आप मेरे शॉर्ट्स नहीं देखते हो तो जाके देख लेना तो ये मुझे पैलेट बहुत अच्छा लगा द सिटी पैराडाइज दिल्ली की हूँ मैं तो मैंने कहा इसे तो ट्राई करना बनता ही है एक मैंने अपने लिए ब्लश मंगवाया है ये है एस एफ आर कलर्स का एस एफ आर के प्रोडक्ट्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं काफ़ी सस्ते होते हैं और काफ़ी सही क्वालिटी के होते हैं बट इस वाले से मुझे थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट है <laughs> ये डिसअपॉइंटमेंट इस बात की है कि जितना पिगमेंटेड ये फोटो में दिख रहा था इसमें नहीं दिख रहा है अगर मैं इसके बात करूँ लुक की तो लुक बहुत अच्छी है ये ना बड़ा उभरा उभरा सा थ्री डी फ्लावर बना हुआ है बहुत ही प्यारा सा अभी मैं आपको इसकी पिगमेंटेशन दिखाती हूँ देखो मेरी फिंगर पर अभी कुछ नहीं है अब मैं इस पर रगड़ रही हूँ अपनी फिंगर कलर आ गया अब मैं आपको यहाँ पे इसका कलर दिखाती हूँ कलर बहुत अच्छा है बट जब आप इसे रगड़ रहे हो तब ब्लेंड करना इसको अच्छा है इजी है बट मैंने जब फर्स्ट टाइम से ट्राई किया ना अपने फेस पे मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे फेस पे ही दिख ही नहीं रहा अभी तो दिख रहा है भाई बट फेस पे जब मैंने लगाया तो शायद ब्रश से लगाया और थोड़ा सा ही प्रोडक्ट लगाया था तो वो मुझे विजिबल नहीं लग रहा था कलर बट मैं आपको फिर बोलूँगी कि फ़ोटो में जितना अच्छा दिख रहा था ना उतना अच्छा मुझे असली में नहीं लगा जबकि असली वाला अच्छा है बट उतना अच्छा नहीं है फ़ोटो वाला तो भाई गजब लग रहा था इसलिए मैंने मंगवाया इसको बट थोड़ी सी मैं डिसअपॉइंट हो गई नेक्स्ट <laughs> मैंने मंगवाया है एक शैम्पू बार यह है अर्थ रिदम ब्रांड का शैम्पू बार शैम्पू बार मैंने इनके पहले भी यूज़ करे हुए काफ़ी सही थे पहले जो मैंने यूज़ किया था आई थिंक वो इसी ब्रांड का था या किसी और ब्रांड का था वो था रीठा आंवला वाला वो भी ना बड़े ड्राई और फ्लेकी बालों के लिए था मेरे बाल बड़े भाई भयंकर वाले ड्राई रहते हैं मतलब <laughs> मैं कितने भी मास्क लगा लूँ कुछ भी लगा लूँ मेरे बाल सॉफ्ट होते ही नहीं है मतलब झाड़ू जैसे ही लगते हैं वो हमेशा झाड़ू जैसे ही रहते हैं <laughs> तो ये मैंने मंगवाया है क्योंकि गर्मियों में ना मेरे को बहुत ज़्यादा फ्लेकी स्किन की प्रॉब्लम हो जाती है तो ये शैम्पू बाहर है फ्लेकी और इंची स्कैल्प के लिए तो स्पेशली बना है ये मेरी प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए तो मैंने सोचा क्यों ना इसे ट्राई किया जाए तो चलो फिर इसे मैं आपको खोल के दिखाती हूँ प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो यार इसका एम आर पी फोर थर्टी सेवन रुपीज़ का है बट ये इतने का नहीं था यहाँ पर आप देखोगे आपको इस तरीके की पेपर पैकेजिंग में मिलता है प्रोडक्ट और ये काफी छोटा सा शैम्पू बार है बट मैंने इसकी बहुत तारीफ सुनी है अमेजोन पर मैंने इसके बहुत अच्छे रिव्यू पढ़े हैं तो मैंने सोचा कि यार चलो बालों को बचाना है बालों को अच्छा करना है एक्चुअली मैंने अपना ना जो है हेयर फॉल पर तो कंट्रोल कर रखा है बट मेरे ना बालों का टेक्सचर थोड़ा सा खराब हो जाता है तो मुझे चाहिए कुछ ऐसा जो मेरे बालों के टेक्सचर को अच्छा कर दे तो इसलिए मैंने इसे ट्राई किया है और अर्थ रिदम ब्रांड का मैंने एक लिप चीक टिंट भी मंगवाया है मैंने बहुत लड़कियों को देखा यार चीक टिंट और लिप टिंट अप्लाई करते हुए उससे तो वो समझ लो अपना पूरा ही मेकअप कर लेती हैं आई के प्लेस पर भी लगा लिया चीक्स पर भी लगा लिया लिप्स पर भी लगा लिया तो मैंने भी एक लिप एंड चीक टिंट मंगवाया है बहुत ही प्यारे से कलर का मतलब इसका कलर इतना क्यूट है ना बिल्कुल बिल्कुल बेबी पिंक जो होता है ना बिल्कुल वैसा है मैं आपको इसे लगा के दिखाती हूँ जरा सा लिया है मैंने ओ ये तो हार्ड बन गया और इसे अब आप ब्लेंड करो इसे ब्लेंड करना बहुत इजी है अगर आपको पाउडर ब्लश लगाने में दिक्कत होती है ना तो आपको ये ब्लश लगाना बहुत इजी लगेगा फटाफट से फिंगर से लगाओ चीक्स पे लिप्स पे और बस आपका काम हो जाएगा मुझे पर्सनली लिप और चीक टिंट बहुत अच्छे लगते हैं ये वाले क्रीम वाले भी अप्लाई करने के बाद ना मुझे ऐसा लगता है अब इसे मैं हटा रही हूँ मतलब रगड़ना ज्यादा पड़ता है बट इन्हें अप्लाई करना बहुत ज्यादा ईजी है अगर मैं इसके शेड की बात करूँ तो इसका शेड है मेड और जो भी प्रोडक्ट मैं आपको दिखा रही हूँ सबके लिंक आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ट्राई डेफिनेटली कर सकते हो एक यार ये फिटमी मेब्लिन फिट मी ने लॉन्च किया है अपना फाउंडेशन इस लुक में और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें है एस पी एफ फिफ्टी प्लस वाइटामिन सी तो वाइटामिन की सबसे अच्छी बात यह है कि आपको फाउंडेशन के साथ साथ सनस्क्रीन का भी काम कर देगा ये बट मेरे साथ पंगा ये होगा कि शायद मैंने इसका शेड मंगवा लिया है गलत शेड नंबर जो मैंने मंगवाया है वो है जीरो थ्री आई थिंक ये मेरे स्किन से थोड़ा सा डार्क है बट तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे को फाउंडेशन का शेड सही करना आता है अगर मैं बात करूँ इस टिंट की

प्रोडक्ट बहुत सही है मेबली की जो फाउंडेशन की पैकेजिंग होती है ना उससे तो ये लागू गुना सही है क्योंकि ट्रैवलिंग में मेरे साथ जाएगा डेफिनेटली जाएगा क्योंकि प्लास्टिक पैकेजिंग में है वो ग्लास पैकेजिंग में होता तो है तो ट्रैवलिंग करते वक्त ले जाने में मुझे थोड़ा सा डर लगता है कहीं फटफुटा ना जाए टूट फूट ना जाए तो ये मेरे साथ डेफिनेटली जाएगा इसमें मैंने मंगवाया है शेड जीरो थ्री प्राइस की अगर मैं बात करूँ इसका एम आर पी थ्री नाइन्टी नाइन रुपीज़ है थर्टी एम एल की आपको उसकी क्वांटिटी मिलती है लास्ट चीज अगर आपको भी गर्मियों में बहुत ज़्यादा भयानक वाले पिंपल्स होते रहते हैं मेरी तरह तो आप ट्राई कर सकते हो इससे ये है रिवेला बाय सिप्ला इसकी ये सेकेंड बॉटल है मुझे ये एडवाइस किया था मेरी एक फ्रेंड ने मुझे बहुत ज़्यादा पिंपल्स हो जाते हैं समटाइम्स और एक होता है तो उससे दूसरा दूसरे से तीसरा तीसरे से चौथा मतलब इतनी ज़्यादा लाइन्स ही बन जाती है ना कि मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ तब मुझे मेरी एक फ्रेंड ने बताया था इसके बारे में और ये इसकी दूसरी ट्यूब मैंने मंगवाई है एक मैं खत्म कर चुकी हूँ ये स्पेशली बना है एक्ने कंट्रोल के लिए इसमें है टू परसेंट सेलिसिक एसिड हेलोरॉनिक एसिड फेस क्लिनर है ये इसमें टी ट्री ऑयल है फॉर ऑयली स्किन के लिए बना है इसमें पूरी तरीके से मैंशन किया गया है कि ये स्पेशली ऑयली स्किन के लिए है अगर आपकी नॉर्मल स्किन है ड्राई स्किन है तो इसे मत यूज कीजिएगा बट हाँ जैसा कि गर्मियों में आधी लड़कियों के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि उनकी स्किन ऑयली हो जाती है तो आप डेफिनेटली इसे ट्राई कर सकते हो बहुत ही सही है ये मतलब इसने मेरे पिंपल्स को कंट्रोल किया बहुत अच्छे से और होने से भी रोका एक दो हो जाते हैं तो वो फैलते भी नहीं है जब मैंने इसे यूज़ करना शुरू किया तो मैंने इसकी दूसरी ट्यूब मंगवा ली है अपने लिए तो डेफिनेटली आप इन सभी प्रोडक्ट्स को ट्राई कर सकते हो सबके लिंक मैंने आपको दे दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ट्राई जरूर करना मुझे तो ये दो पैलेट्स बहुत ज़्यादा अच्छे लगे हैं ये दोनों मस्त पैलेट्स है डेफिनेटली आप ट्राई कर सकते हो वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जरूर जाना चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना थैंक यू थैंक्स फॉर वॉचिंग बाय